हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेय साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का सेकंड लेसन जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लाइफ में अम्ल क्षार लवण का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, बड़ा महत्व है। जैसे क्या महत्व है, जैसे अम्ल है तो अम्ल आप किसे कहते हैं कि जो स्वाद में खट्टा लगे वो अम्ल है और जो कड़वा लगे वो क्षार है और दोनों की अभिक्रिया से जो बना अम्ल व क्षार की वो लवण है। तो हम समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रतिदिन जीवन में ये तीनों हम कहीं ना कहीं भोजन से ये स्रोत ले रहे हैं। जैसे आपको बताऊं कि हमारे उदर में यानी पेट में तो खुद एक अम्ल बनता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो एक तो हमारे उदर में खुद अम्ल HCl जो कहीं ना कहीं भोजन के पाचन में मदद कर रहा है। इसके अलावा हम आप प्रतिदिन जैसे मान लीजिए आप नींबू खा रहे हैं तो नींबू में भी अम्ल है, नींबू में जैसे साइट्रिक अम्ल है। संतरा खा रहे हैं, मौसमी खा रहे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल है, इमली खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, उसमें टार्ट्रिक अम्ल है। तो ये जो अम्ल है इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल बोला जाता है या प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बेस, बेस मतलब क्या होता है, क्षार। मैंने बताया जो स्वाद में कड़वे लगे वो क्षार है। तो आप देखिए जैसे चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूने का सूत्र क्या है, चूने का जैसे मैं सूत्र लिखूँ तो चूने का सूत्र क्या है कि CaO और इसमें हम पानी मिला दें, जल मिला दें तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी या बुझा हुआ चूना तो इसको लोग तंबाकू में मिला खाते हैं तो ये स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो ये क्षार हो गया। और क्षार बहुत से हैं, जो आप साबुन अपने बॉडी पे लगाते हैं या फिर जो सोप है आप कपड़े धुलते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है तो ये सब या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है तो वो क्या है, क्षार है बेस। और लवण की बात करें तो लवण तो बहुत है, जो आप फिटकरी है कभी ब्लेडिंग हो रहा है, आप शेविंग कर रहे हैं कट गया तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, साल्ट है, लवण है। लेकिन एक लवण जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो हमारे दैनिक जीवन में यूज हो रहा है। हम सब्जी खा रहे हैं या हम दाल खा रहे हैं तो उसमें हम साल्ट मिला रहे हैं तो वो क्या करता है, हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, घटाता है, कम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक नॉर्मल में हम उसको ले ही रहे हैं। तो अम्ल क्या है, मैंने बता दिया कि अम्ल क्या का एक जो पुरानी परिभाषा है वो ये है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वैसे माना जाता है कि जो एसिड है वो दो तरह का है, एक है ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है कार्बनिक अम्ल और इसी को कहते हैं नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक एसिड। इसका नाम कार्बनिक अम्ल क्यों है, नेचुरल अम्ल क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे आप टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर में आपको क्या मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो टमाटर क्या है, प्लांट है, और प्लांट क्या है, जितने प्लांट्स वो नेचर ने बनाया है। ये जो है ये है ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड भी आप बोलिए या नेचुरल बोलिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड इसी को बोलते हैं कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल। और दूसरा मैंने लिख दिया है मिनरल एसिड या लेबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड क्या है, जो लैब में बनाए जाते हैं। जैसे मिनरल एसिड में आपको बताऊं, जैसे आपका होता है HCl या फिर मैं लिख दूं HNO3, नाइट्रिक एसिड या फिर H2SO4। तो ये क्या है, ये मिनरल एसिड है या लेबोरेटरी एसिड है। क्यों, क्योंकि ये लैब में बनाए जाते हैं। अब देखिए जो डेफिनेशन है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं वो इसके लिए लागू होता है, इसके लिए फॉलो होता है, क्योंकि ये जो अम्ल है ये संक्षारक है, कोरोसिव है। यदि हम इनको चखना चाहें इसके बेसिस पे कि अम्ल तो क्या है, खट्टे हैं, तो हम HCl नहीं चख सकते हैं, हम HNO3 नहीं चख सकते हैं, हम H2SO4 नहीं चख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये संक्षारक है, ये जला देंगे, बड़ी स्ट्रांग एसिड है। उसके तुलना में ये वीक एसिड है, ये इडाइबल एसिड है, मतलब ये खाने वाले अम्ल हैं लेकिन ये खाने वाले अम्ल नहीं है। यदि हमने
ये थोड़ा सा हमारे त्वचा पे गिर जाए, कपड़े पे गिर जाए, लकड़ी पे गिर जाए, जहां भी गिरेगा ये जला देगा। तो मैंने आपको बताया कि अम्ल दो प्रकार के, एक है ऑर्गेनिक एसिड, ये नेचुरल एसिड, हिंदी आप जान लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल, और दूसरे का नाम है मिनरल एसिड, इसको आप बोल सकते हैं खनिज अम्ल या लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब पता है आपको प्रयोगशाला में जो बनाया है। अब ये भी दो होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। ऐसे जो एसिड एकदम प्योर है यानी उसमें पानी नहीं है उसको बोला जाता है कंसंट्रेट, हिंदी में बोलते हैं सांद्र, और यदि उसमें पानी पड़ा है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन से एसिड है और उसका क्या सोर्स है, क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट एग्जाम है या कोई भी आप एग्जाम दे तो वहाँ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सेब में कौन सा एसिड है, सेब में से मैलिक एसिड है, अंगूर में कौन सा एसिड है, तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड है, या संतरा है उसमें कौन सा एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, घास में कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड है, तो ये जानना जरूरी, टमाटर में कौन सा एसिड है, ऑक्जैलिक एसिड है, तो ये मैंने लिख दिया है और मैं अब समझा भी दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इमली में, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, घास में बेंजोइक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, संतरा मौसमी आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड का, एसिड वे होते हैं जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देते हैं, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। जैसे मैंने तो कह दिया कि अम्ल स्वाद में क्या है, खट्टा है, लेकिन ये थियरी सब पे लागू नहीं होती है। जैसे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको यदि पानी में घोला जाए, वाटर में, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसको भी जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। फिर मैंने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इसको जल में घोला गया तो ये देगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो ये क्या है, अम्ल वे हैं जो जल में घुलकर क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन। तो आप देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा कुछ और भी अम्ल लिख दे रहा हूँ, जैसे एसिटिक अम्ल का आपने नाम सुना है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, इसको खाने से पेट का पाचन सही रहता है, तो ये इसको तोड़ा जाए तो ये क्या देगा, ये देगा एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखिए ये भी क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। और एक आपको पता होगा फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड आप नहीं जान रहे हैं, जान लीजिए जब मधुमक्खी डंक मारती है या बिच्छू डंक मारता है या जो लाल वाली छोटी चींटी होती है वो काटती है, तो उसके अंदर यही एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, ये बना दिया फॉर्मेट आयन और ये बना दिया हाइड्रोजन आयन। तो आपको समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अम्ल की परिभाषा क्या है, एक तो पुरानी परिभाषा कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, स्योरिन टेस्ट जैसे आपको बता दिया कि इमली में क्या है, टार्ट्रिक अम्ल, तो हम थोड़ा सा अंगूर भी खट्टा लगता है, नींबू संतरा मौसमी आंवला खट्टे लगते हैं, अम्ल है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, सारे अम्लों को हम चख नहीं सकते हैं, तेजाब को अगर चखना हो तो आप चख पाएंगे नहीं। तो अम्ल का परिभाषा एक और क्या है कि अम्ल वे हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आप देखिए H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन दिया, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयन दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन दिया है, और कब दिया, जब इनको जल में घोला गया, बिना जल में घुले ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। तो आप याद रखिएगा जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, ये है एसिड का डेफिनेशन। अब जल में जो हाइड्रोजन आयन है ये स्वतंत्र रूप में ज्यादा देर रह नहीं पाता है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के किसी एक अणु से अभिक्रिया कर लेता है। बात समझिएगा, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयन बने हैं किसी को आप जल में घोलेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम
प्रोटॉन है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं या प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन जल से रिएक्शन कर लेता है, और आपको बता दिए जल मैंने लिखा है, जल क्या है, न्यूट्रल होता है, उदासीन, उस CH प्लस अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन। तो बोलिएगा मत, यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जल से अभिक्रिया किया और बना लिया हाइड्रोनियम आयन। तो एक डेफिनेशन और आप बोल सकते हैं एसिड का, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कौन आयन देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो ये रहा एसिड का मॉडर्न डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसिड में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या समानताएं होती हैं अम्ल में। तो आप समानता सुन लीजिए। पहला सिमिलरिटी तो ये होता है, जितने भी एसिड हैं सब में हाइड्रोजन आयन होता है। देखिए जितने भी एसिड्स मैं लिखा हूँ सब में हाइड्रोजन आयन है, पहला कॉन्सेप्ट। और हाइड्रोजन आयन दे कब रहे हैं, जब ये जल में घुलेंगे, ठीक है। अब अगली चीज जानिए, इन्हीं हाइड्रोजन आयनों के कारण अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक आप समझ रहे होंगे, जिसमें विद्युत धारा आए, इलेक्ट्रिसिटी आए, वो सभी जो अम्ल हैं वो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन दिए, और इनका जो जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन जिसमें पानी पड़ा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर यानी विद्युत का सुचालक है। अब एक बात और आप याद रखिए, ऐसा नहीं है कि वे पदार्थ जिनमें सब में हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोजन हो, क्या वो सभी अम्ल होंगे, नहीं। जैसे मैंने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6, या मैंने लिख दिया C2H5OH, या मैंने लिख दिया CH3OH। मैंने आपसे क्या बताया कि जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा वो अम्ल होगा, लेकिन इसमें भी तो हाइड्रोजन है, इसका नाम है ग्लूकोज। आपको बताया हूँ पाचन ने, ये ग्लूकोज क्या है, ये इसका नाम है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, तो इसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो क्या ये भी अम्ल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इनको पानी में घोला जाए तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, वो और बात है, एक लास्ट 12th में आप पढ़ेंगे। तो जैसे एथिल अल्कोहल है, ये ऑक्साइड आयन बनाएगा, एसिड थोड़ा थोड़ा बिहेव करेगा, लेकिन ये अम्ल नहीं है। तो आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि जितने भी पदार्थ जिसमें सब में हाइड्रोजन है सभी अम्ल नहीं होते हैं, क्योंकि अम्ल वो होगा जो जल में घुलकर पूरी तरह हाइड्रोजन आयन दे, वही अम्ल होगा। नेक्स्ट, जो अम्ल है, सभी अम्ल जो भी प्रबल अम्ल है वो संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब अगर वो त्वचा पे गिर जाएंगे त्वचा को जला देंगे, कपड़े पे गिरेंगे कपड़े को जला देंगे, लकड़ी पे गिरेंगे लकड़ी को जला देंगे, यानी जिस भी वस्तु पे गिरेंगे ये जला देंगे। जैसे H2SO4, HNO3HCl, ये जलाने वाले अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये एसिटिक एसिड ये तो नहीं जलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये खनिज अम्ल नहीं है, ये कार्बनिक अम्ल है। आप देखिए इसमें कार्बन है, ये सब में कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक, इसीलिए खाने वाला। ये चलिए ये भी थोड़ा संक्षारक है, क्योंकि जब आपको मधुमक्खी डंक मारती है थोड़ा सा जलन होता है, थोड़ा दर्द होता है, तो ये भी है। इसके अलावा अभी जो मैंने अम्ल का स्रोत लिखा था, टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, तो ये सभी जो अम्ल हैं वो खाने वाले हैं। ये अगर आप त्वचा पर रगड़िए, नींबू आप ले लीजिए काट के त्वचा पर रगड़िए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप तेजाब को नहीं रगड़ सकती, क्योंकि ये क्या है, ये मिनरल एसिड है, ये हमारे लिए संक्षारक है, हाईली कोरोसिव है, बहुत ज़्यादा संक्षारक है। तो ये अम्लों में एक समानता है। अब मैं आपको जा रहा हूँ समझाने कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, एसिडिटी, और आपको फिर बताऊँगा कुछ अम्लों का यूज, कि अम्ल का क्या यूज है, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा क्षार के बारे में, फिर साल्ट के बारे में, क्योंकि यदि वीडियो बहुत बड़ा होगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आता है। तो मेरा उद्देश्य है कि वीडियो छोटा हो, आप आसानी से देख सकें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ अम्ल की क्षारकता क्या होती है, ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ अम्ल की क्षारकता क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अम्ल की क्षारकता को समझना बहुत ही आसान है, क्या होती है अम्ल की क्षारकता, इसे भी आप समझेंगे, क्लास 11th में भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो आप अच्छे से समझ लीजिए अम्ल की क्षारकता क्या होती है। कोई भी अम्ल
जितना हाइड्रोजन निकालता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। ध्यान समझिए, कोई भी अम्ल जब जल में घुलता है तो कितना हाइड्रोजन यानी कितना प्रोटॉन वो निकालता है वो उसकी क्षारकता होती है, बेसिसिटी होती है। जैसे आप देखिए H2SO4 कितना हाइड्रोजन निकाला है, 2, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्षारकता कितनी है, ये 2 है। मैंने लिखा है HNO3, HNO3 कितना H निकाला है, 1, इसकी क्षारकता 1 है। अब मैंने लिखा है HCl, इसने कितना H निकाला है, 1, इसकी क्षारकता 1 है। तो क्षारकता ऐसे निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी क्षारकता इस तरह से आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने लिख दिया H3PO4, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप, H3PO3, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, और इसका नाम है H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी इनकी अम्ल की क्षारकता है। इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक फास्फोरस है और आप देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने बना दिया 4 ऑक्सीजन, OH, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल और डबल। अब आप इसको देखिए, पी, एक ऑक्सीजन, 2, 3, H, और ये हो गया, तो देखिए मुझे आपको ये समझाना था कि मैंने क्या कहा कि कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन निकालता वो उसकी क्षारकता होती है, वो उसकी क्या होती है, क्षारकता होती है, बेसिसिटी होती है। लेकिन आप इस पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, ध्यान से आप देखिए, इसका नाम है H3PO4, इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम है H3PO3, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, और इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ध्यान समझिएगा, अब देखिए इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखिए यहाँ OH है, OH का नाम है हाइड्रोक्सिल समूह, तो यहाँ पे अब आप देखिए कितना हाइड्रोजन, 1, 2, 3, इसकी क्षारकता 3 होगी। अब यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, तो इसकी क्षारकता 3 नहीं होगी। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा क्यों, क्योंकि ये H वहीं से निकालेगा जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ध्यान समझिएगा, ये H वहीं से निकालेगा जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे, यहाँ से भी H निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा, तो ये ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, H निकालेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी हुई, 3, यहाँ पे कितना OH है, 2, इसकी क्षारकता 2, और यहाँ पे आप देखेंगे केवल 1 OH है, तो इसकी क्षारकता 1 होगी। तो ये रहा अम्ल की क्षारकता। अब मैं थोड़ा सा आपको यूज बता दे रहा हूँ, अम्लों का यूज क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है H2SO4, तो H2SO4 का यूज पेट्रोलियम के शोधन में होता है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम 2 शब्द से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, रॉक मीन्स होता है चट्टान, ओलियम मीन्स होता है ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, यानी जो डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल पृथ्वी से निकलता है इसे चट्टानी तेल कहते हैं। उसके शोधन में यानी प्यूरिफिकेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। इसके अलावा जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, उसमें इसको डाला जाता है, आपको पता ही। नेक्स्ट मैंने लिखा है HNO3, ये HNO3 का भी बहुत यूज है। जैसे एक यूज आपको बता दे रहा हूँ कि HCl में HNO3 मिला के एक्वारेजिया बनाया जाता है। एक्वारेजिया क्या है, इसको हिंदी में अम्लराज कहते हैं, सोने और चांदी को घोलने के लिए एक पदार्थ बनाया जाता है जिसका नाम है एक्वारेजिया, तो वो HNO3 का एक यूज। और यूज आपको जानना है तो और जान लीजिए, इसे एक विस्फोटक है TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल या TNP या TNT, तो TNT यानी ट्राइनाइट्रोटालुइन और TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये विस्फोटक हैं, इस एक्सप्लोसिव हैं, वो नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है। और लास्ट मैंने यहाँ से लिखा है HCl, तो HCl से भी एक्वारेजिया ही बनाया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस बनाई जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया जाता है,
और यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को खाने में यूज किया जाता है ताकि पेट का डाइजेशन सही रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरे समझाने में कहाँ समस्या आ रही है, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा।